के साथ उनका जन्म मनाना है, तो आइए सभी मिलकर के राम जी की पावन कथा श्रवण करें। श्री हरि। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध, कृपया शांति बनाकर बैठे। आप सभी शांति बनाएंगे तो कथा सुनने का भी सभी का अवसर प्राप्त होगा। आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध, कृपया शांति का दान दें। बोलिए बाक्य बिहारी लाल की जय। देखिए, जब भी राम जी की बात आती है, जब हम रामायण की कथा को श्रवण करते हैं, राम जी की कथा को श्रवण करते हैं, तो सभी के मन में एक मानसिकता पहले ही बन चुकी है कि राम जी को कथा जो श्रवण करते हैं, उसमें हम जितनी भी कथाएं को सुनते हैं, सुनने के बाद रामायण जो होती है ग्रंथ, उस ग्रंथ को लाल कपड़े में बांध करके हम घर में रख देते हैं, उनकी रोज पूजा करते हैं। अच्छी बात है, आपको पूजा करनी चाहिए, आप रोज रामायण की पूजा करिए, लेकिन रामायण पूजा करने की चीज नहीं है। फिर क्या है वो? रामायण पढ़ने की चीज है कि आखिर उसमें लिखा क्या है, क्योंकि उसमें एक बेटे के लिए शिक्षा, एक पति के लिए शिक्षा, एक पत्नी के लिए शिक्षा, एक पिता के लिए शिक्षा, एक माता के लिए शिक्षा। रामायण के ग्रंथ में शुरू से लेकर के आखिर तक हर पात्र में हम सबको कोई ना कोई शिक्षा दी जाती है। इसलिए रामायण को बांध करके उसकी पूजा मत करिए। अगर सच में आप राम जी को मानते हैं और रामायण की कथा को सुनना चाहते हैं, तो सबसे पहले रामायण खोल करके पढ़िए कि उसमें लिखा क्या है। आज राम जी जब थोड़े बड़े होते हैं, तो बड़े होने के बाद विवाह के पहले उन्होंने तीन असुरों को मारा, ताड़का, सुबाहु और मारिच। ताड़का और सुबाहु का तो उन्होंने वध किया, लेकिन जो मारिच है, उन्होंने मारिच को मारा नहीं, बस उठा करके दूर फेंक दिया। तो आज हम जिस विदेश का नाम सुनते हैं, मॉरिशस, सभी सुने होंगे, मॉरिशस हमारे भारत से बाहर विदेश है, तो उस विदेश का नाम इस मारिच नामक राक्षस के आधार पर पड़ता है, क्योंकि जब राम जी ने उन्हें उठाकर दूर फेंका, तो वहीं वो जाकर के स्थापित हो गए, और उन्हीं के कारण वो जो स्थान है, उस स्थान को मॉरिशस के नाम से बदला गया। अब ये तो हुई विवाह के पहले की बात। अब जैसे ही वन में प्रवेश करते हैं, तो सभी सुनते हैं कि एक पत्थर की नारी हुई अहिल्या, जिसको राम जी ने अपने चरणों का स्पर्श करा करके वापस उन्हें स्त्री के रूप में बदल देते। सभी जानते हैं, कौन कौन मानता है इस बात को, कि राम जी अपने चरण के माध्यम से पत्थर की नारी को, जो पत्थर बन चुकी थी, ऐसे पत्थर को वापस फिर से स्त्री के रूप में बदलते। कौन कौन मानते हैं? बस खाली दो चार लोग, मतलब राम जी की कथा सुना ही नहीं। एक बार भागवत की कथा में शंका हो सकती है, लेकिन राम की कथा आज हर मोहल्ले, हर गांव में, हर क्षेत्र में होता है। बच्चे बच्चे को राम जी की कथा पता है। तो सभी मानते हैं इस बात को कि राम जी ने अपने चरणों का स्पर्श करा करके अहिल्या को तार दिया है। पक्का? कितने लोग मानते हैं? और अगर मैं कहूं कि ये बात झूठ है, तो अगर मैं कहूं कि ये बात झूठ है, तो राम जी जब त्रेता युग में जन्म लेते हैं, तो उनका जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम जो स्वप्न में भी किसी पराई स्त्री के बारे में विचार भी नहीं करते, ऐसे हमारे राम जी, जब वो स्वप्न में किसी स्त्री के बारे में विचार नहीं करते, फिर ऐसे राम जी एक पत्थर की नारी, भले वो पत्थर है लेकिन वो है तो नारी, फिर ऐसे नारी को राम जी स्पर्श कैसे करेंगे? सवाल है ना, कैसे स्पर्श करेंगे? तो राम जी ने उन्हें स्पर्श नहीं किया। जब राम जी चल करके आते हैं, तो पैर के नीचे जो धूल है, वो धूल उड़ करके उस पत्थर पर जैसे ही पड़ती है, वो वापस नारी के रूप में बदल जाती है। अब सोचिए, केवल उनके चरणों की धूल में इतनी शक्ति है? राम जी को तो आप साइड में रख दो, केवल धूल में इतनी शक्ति है कि आज वो पत्थर से वापस स्त्री को बना देते। तो इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीला है। और उनकी बाल्यावस्था से एक अच्छी आदत थी। कैसी आदत? कि राम जी ने जब जन्म लिया, जैसे थोड़े बड़े होते हैं, तो सभी संतानों को उपदेश देते हैं। कैसा उपदेश? प्रातः काल माता पिता गुरु ना वही मां
राम जी ने सभी संतानों को ये संदेश दिया कि जैसे वो सुबह उठते थे, जैसे ही बिस्तर से नीचे आए जहाँ पर वो सोए हुए थे, आंख खुलते ही सबसे पहले वे अपने माता पिता और अपने गुरु को याद करते। ये एक संतान के लिए शिक्षा है। मैंने पहले ही कहा कि रामायण के हर पात्र में हम सबके लिए शिक्षा है, तो आज सबसे पहले संतान के लिए भी शिक्षा देते। जैसे ही कुछ बड़े होते हैं, विवाह होता है, विवाह के बाद जब माता सीता को लेकर के अपने अयोध्या आते हैं, अयोध्या आते ही विघ्नेश्वरी देवी का आगमन होता है। विघ्नेश्वरी देवी यानी विघ्न, विघ्न यानी संकट, बाधा। जैसे विघ्नेश्वरी देवी अयोध्या में आती, सबके भीतर जाने का प्रयास करती, लेकिन भीतर जा नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वहाँ सबके हृदय में पहले से ही राम जी बैठे हुए, और जब पहले से ही राम जी बैठे हैं तो विघ्नेश्वरी देवी कहाँ पे स्थान पाए? तो उन्होंने देखा कि जो मंथरा है वो मंथरा अयोध्या की नहीं, वो अयोध्या की बाहर की है, और विघ्नेश्वरी देवी मंथरा के भीतर प्रवेश करके अयोध्या आती। और आज माता कैकेयी ने दो वरदान अपने स्वामी महाराज दशरथ से मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि जिस समय महाराज दशरथ युद्ध करने जाते तो पहली बार एक ऐसी स्त्री थी माता कैकेयी, जिन्हें आज महाराज दशरथ अपने साथ युद्ध स्थल में लेकर के जाते हैं लड़ाई करने के लिए। जब लड़ते लड़ते उनके रथ का पहिया निकल जाता है, टूट जाता है, और महाराज दशरथ भी कमजोर पड़ जाते हैं। जब रथ का पहिया टूटता है तो माता कैकेयी ने अपनी उंगली के माध्यम से रथ को चलाते चलाते उस युद्ध स्थल से उन्हें बाहर लेकर के उनके प्राणों की रक्षा करती। तब महाराज दशरथ ने कैकेयी से पूछा कि तुम्हें जो वरदान चाहिए मुझसे मांगो, मैं दूंगा। तब माता कैकेयी ने कहा कि इस समय नहीं, जब मैं मांगू तब आप मुझे दो वरदान दान करें। आज वो समय आता है कि मैया ने दो वरदान मांगा। पहला वरदान कि राम को वनवास, और दूसरा वरदान कि मेरे बेटे राजा भरत को, जो राजकुमार है, उसे अयोध्या का राजा बनाया जाना चाहिए। वरदान मांगते हैं। ये वरदान सुनकर जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने सुना कि मेरी माता ने वनवास तय किया है, बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से जाने लगते हैं। उनके पीछे पीछे माता सीता, उनके पीछे महाराज लक्ष्मण जी। अब हमने राम जी के जन्म की कथा तो सुना कि राम जी नारायण के अवतार हैं, लेकिन राम जी के तीन और भाई हुए, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी। अब ये जो तीन भाई हुए ये कौन है? हमने ये तो जान लिया कि राम जी नारायण के अवतार हैं, और जो लक्ष्मण जी हैं वो शेषनाग के अवतार हैं, जिस शेषनाग पर नारायण जी सोते हैं। अब बचते हैं दो भाई, भरत और शत्रुघ्न। तो जो भरत महाराज हुए वे नारायण के शंख होते, जो शंख हैं वो भी नारायण जब त्रेता युग में अवतार लेते हैं तो उनके पीछे पीछे शंख भी आ जाता है अवतार धारण करने। और जो लक्ष्मण, जो शत्रुघ्न जी महाराज हैं, वे नारायण जी की गदा है। जब नारायण जी अवतार लेते हैं तो वो भी पीछे पीछे अवतार लेने के लिए चले आते हैं। इस प्रकार राम जी के साथ उनके तीन भाई ने जन्म लिया। अब जैसे विवाह हुआ, वनवास में जाते हैं, वनवास के समय में माता सीता का हरण हो जाता है। जब माता सीता का हरण होता है, हनुमान जी से भेंट होती। हनुमान जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु आप उदास क्यों हैं? ऐसी कौन सी बात होगी जिसके कारण आप उदास हैं? राम जी ने सारी कथा बताई कि किस प्रकार माता सीता का हरण हो चुका है। तो आज हनुमान जी समुद्र के तट पर आकर के बैठते हैं चुपचाप उदास होकर, ये सोचते हुए कि मैं अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी की रक्षा कैसे करूं, उनकी बाधा कैसे दूर करूं। उतने ही समय में जामवंत जी का आना होता है। जामवंत जी ने पूछा कि प्रभु आप उदास क्यों हैं? हनुमान जी ने कहा, आज मैं इतना विवश हो गया हूं कि अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपनी आंखों के सामने मैं उदास बैठे हुए देख रहा हूं, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये विशाल समुद्र मैं कैसे पार करके जाऊं, और माता सीता को कैसे ढूंढूं, कैसे खोजूं। तब जामवंत जी ने कहा, कवई ने सो काज कठिन जग मार, जो नहीं होते ताते तुम पार। आज जामवंत जी ने कहा कि ऐसा इस संसार में कोई काम नहीं है जो आपसे ना हो सके। और आज जामवंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी लंका आते हैं, जिस लंका में अशोक वाटिका में माता सीता को बंदी बना करके रखा हुआ है।
जैसे ही लंका में प्रवेश करते हैं, सभी लंका में केवल रावण नाम की गूंज सुनाई देती। एक ऐसा स्थान है किसी कोने से जहां से राम जी के नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है। हनुमान जी उस राम नाम को सुनकर उस ध्वनि के पीछे पीछे भागते हैं कि आखिर ये राम नाम सुनाई कहां से दे रहा है। एक आश्रम के बाहर जाकर के वो ध्वनि रुक जाती है। बाहर उस आश्रम के उस घर के बाहर लिखा हुआ है जय श्री राम। हनुमान जी बाहर से पूछते हैं कि यहाँ कौन रहता है, और इस संपूर्ण पाप की नगरी में एक घर ऐसा है जहाँ मेरे राम का नाम जपा जा रहा है। एक व्यक्ति बाहर आते हैं। हनुमान जी ने उसे पूछा कि आप हैं कौन, और इस रावण की लंका में आपको क्या डर नहीं लग रहा है जो आप अकेले राम का नाम ले रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उसी रावण का छोटा भाई विभीषण। और विभीषण जी ने कहा प्रातः ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहार। विभीषण जी ने कहा मैं ऐसा पापी हूँ कि जिसका नाम सुबह सुबह अगर कोई ले लेता है उसे सारा दिन भोजन नहीं मिलता, उसे सारा दिन भूखे रहना पड़ता है। हनुमान जी ने पूछा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, इस पाप की नगरी में एक आप अकेले ऐसे हैं जिसने मेरे राम का नाम जपा है, आप पापी कैसे हो सकते हैं। विभीषण जी ने कहा प्रभु मैं पापी हूँ, तभी तो केवल मैं अकेले राम का नाम जप रहा हूँ। मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं इस संपूर्ण लंका को कह सकूं कि आप भी राम का नाम जपो, मुझसे बड़ा पापी कोई और नहीं है। आज हनुमान जी माता सीता से भेंट करके वापस आते हैं। राम जी को बताते हैं कि माता सीता अशोक वाटिका में कुशल मंगल आज समुद्र पर जो है पुल बनाने का प्रयास करते हैं। सभी जितने भी उनके भक्त हुए वानर सेना हो, सभी बड़े बड़े पत्थर ला करके जो है समुद्र पर राम लिख करके फेंकने लगे। वो पत्थर धीरे धीरे उस संपूर्ण समुद्र पर जो है तैर करके रास्ता बनाने का प्रयास करने लगे। संपूर्ण समुद्र में आज पुल बन जाता है, रास्ता बन जाता है। अब जैसे ही समुद्र तैयार होता है, जो पुल है वो तैयार होता है, तो राम जी ने समुद्र के तट पर एक शिवलिंग का निर्माण किया। हम भी अपने घर को अगर नया बनाते हैं, हमारे घर कोई बालक जन्म लेता है तो हम पूजा पाठ कराते हैं। अब जैसे ही राम जी ने शिवलिंग का निर्माण किया, विचार करने लगे कि इस शिवलिंग की स्थापना के लिए एक ब्राह्मण का होना आवश्यक। राम जी स्वयं भगवान थे, लेकिन भगवान होने के बाद भी उन्होंने ब्राह्मण रूप नहीं धरा, क्षत्रिय रूप धरा। और क्षत्रिय रूप धर करके आज विचार कर रहे हैं, चाहते तो वो खुद भी पूजा कर सकते थे, लेकिन विचार करने लगे कि ये पूजा मेरा काम नहीं, ये पूजा उन ब्राह्मणों का काम है। तो इस समय संसार में त्रेता युग में श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है, तो विचार करते हैं कि इस समय सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान और ज्ञानी ब्राह्मण हुए रावण जी। उनसे बढ़कर कोई ज्ञानी संसार में ना तो था, ना है और ना ही कभी हो सकता है, इतने ज्ञानी थे। तो राम जी ने पत्र लिखा रावण जी को कि आप आइए और आकर के मेरे शिवलिंग की स्थापना करिए। रावण जी ने एक ब्राह्मण के रूप में आकर के सोचा कि मुझे उनकी पूजा कराने जाना है। विचार करने लगे कि मैं तो पूजा करा दूंगा, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये नियम है कि कोई भी पूजा पाठ जोड़े में किया जाता है, पति पत्नी मिलकर कोई पूजा पाठ यज्ञ संपन्न कराए जाते हैं। लेकिन राम जी तो अकेले हैं, माता सीता तो मेरे लंका पर निवास कर रही है, तो आज रावण अकेले नहीं आते, माता सीता को लेकर के आते और उस शिवलिंग की स्थापना करते। आज भी आप कई जगह ऐसे देखे होंगे तस्वीरों में कि माता सीता और राम जी शिवलिंग की पूजा करते हुए उनकी तस्वीर बनाई जाती है। आज रावण आते हैं, माता सीता को राम जी के हाथों में सौंपते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं, वापस सीता को ले जाते। चाहते तो राम जी माता सीता को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? क्योंकि रावण अपनी दुश्मनी भूल करके, अपनी दुष्टता भूल करके एक ब्राह्मण के रूप में आकर के पूजा कराते। वैसे ही राम जी ने जैसे सहसम्मान रावण ने माता सीता को लाया, वैसे ही सहसम्मान राम जी ने माता सीता को उनके साथ जाने दिया। शिवलिंग की स्थापना होती है, पूजा पाठ यज्ञ हवन सब कुछ संपन्न कराया जाता है। आज राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके रावण का वध करके माता सीता को वापस लाते हैं।
कहते हैं कि एक धोबी के कारण माता सीता की अग्नि परीक्षा ली जाती है, क्योंकि उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं कि इतने वर्ष रावण जैसे पापी के महल में थी तो इनमें पवित्रता शेष है, बाकी है कि नहीं। तो आज माता सीता की पवित्रता जांचने के लिए अग्नि परीक्षा ली जाती है, लेकिन ये बात सत्य नहीं। माता सीता की अग्नि परीक्षा इसलिए ली जाती है क्योंकि जिस सीता का हरण रावण ने किया था वो असली सीता नहीं थी। फिर वो कौन थी? वे माता सीता की छाया थी। जैसे आप धूप में चलते हैं आपकी छाया आपको दिखाई देती, वैसे ही जिस सीता का हरण रावण ने किया था वो सीता नहीं थी, वो सीता की छाया थी। ये बात केवल सीता को और प्रभु श्री राम जी को पता था। आज जैसे ही सीता वापस आती है तो अपनी असली सीता को वापस पाने के लिए छाया सीता को अग्नि में भेजते हैं, इसीलिए उनकी अग्नि परीक्षा ले जाती है। अब लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, लंका का राजा विभीषण जी को बनाया जाता है। अब जब सभी सभा लगी हुई थी, राम जी ने सभी को कुछ ना कुछ उपहार दिया, भेंट किया। माता सीता ने कहा, प्रभु आपके जो सबसे परम भक्त हैं हनुमान जी, आपने उन्हें कुछ नहीं दिया। तो राम जी ने उन्हें एक माला भेंट की। हनुमान जी ने वो सारे माला तोड़ करके फेंक दिया, कहने लगे कि इसमें मेरे प्रभु नहीं है, इसमें मेरी माता सीता नहीं है, फिर ये मेरी किसी काम की नहीं। हनुमान जी उदास बैठ जाते हैं। फिर माता सीता ने कहा, प्रभु आप इन्हें कुछ ऐसी वस्तु दीजिए जिसके कारण हनुमान जी खुश हो जाए। तो राम जी ने कहा, प्रत्युपकार करहु का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। राम जी ने माता सीता से कहा कि सीता, जिसका मुझ पर एहसान है, जिस एहसान का कर्ज, जिस एहसान का ऋण मैं चाहकर भी नहीं चुका सकता, मैं उसे क्या भेंट करूं? तब माता सीता ने हनुमान जी को भेंट किया और उन्हें वरदान दिया। क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आए, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए। माता सीता ने कहा कि जो भी हनुमान का नाम जपेगा उसके आसपास कोई भी भूत पिशाच के निकट भी नहीं आ सकता। हनुमान जी तब भी सिर झुका करके उदास होकर के बैठे हैं, उनके मुख पर एक क्षण के लिए भी हंसी नहीं आई कि माता सीता ने मुझे वरदान दिया। माता सीता को लगने लगा कि ये वरदान थोड़ा कम हो गया। फिर माता सीता ने उन्हें दूसरा वरदान दिया और कहने लगी, ना से रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तब भी हनुमान जी चुप बैठे। आज माता सीता ने वरदान दिया कि जो भी हनुमान का नाम जपेगा कोई भी प्रकार की बीमारी, कोई भी प्रकार का संकट उनके भक्त के पास नहीं आ सकता। फिर भी हनुमान जी चुप हैं, उदास हैं, कुछ नहीं बोलते। तब माता सीता को ये लगने लग गया कि हनुमान जी को ये सांसारिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं। तब माता सीता ने अंतिम वरदान दिया और हनुमान जी से कहा, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति की दास। जैसे ही ये वरदान हनुमान जी ने सोचा, जैसे सुनते हैं, सुनकर ही सारी सभा में झूमने लगे, नाचने लगे। क्यों? क्योंकि एक भक्त को केवल अपने भगवान चाहिए, उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं होता। और जैसे माता सीता ने हनुमान जी से कहा कि राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास, माता सीता ने हनुमान जी को वरदान दिया कि तुम सदा के लिए राम जी के चरणों पर निवास करोगे एक दास बन करके। तभी तो आप तस्वीर देखे होंगे कि अगर राम जी आशीर्वाद देते हुए खड़े हैं तो उनके चरणों पर हनुमान जी बैठे हुए। ये माता सीता का वरदान है कि आज भी हनुमान जी राम जी के चरणों पर बैठे हुए। इस प्रकार सभी की इच्छा पूरी करते हैं। अब ये जो कथा है राम जी की, जब भी आप कहीं पर भी सुने, याद रखिए कि रामायण के ग्रंथ को आप केवल लाल कपड़े में बांध कर उसकी पूजा मत करिए। एक बार, ज्यादा आपके पास समय नहीं है तो केवल एक अध्याय,
अरे एक अध्याय के लिए भी समय नहीं है, तो केवल चार पांच चौपाई ही पढ़ लीजिए। जब भी आप चार पांच चौपाई पढ़ते हैं तो उतने में ही प्रभु श्री रामचंद्र जी खुश हो जाते हैं और आपको अपनी शरण में बिठा लेते हैं। जैसा चरणों की सेवा आज हनुमान जी कर रहे हैं, वैसे ही चरणों की सेवा युगों युगों तक हमें भी प्राप्त हो सकती। बस फर्क कितना है कि रामायण की कथा को केवल सुनना नहीं है, उस कथा को हमें अपनाना है कि उस कथा में लिखा क्या है, ज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है। तभी तो कहा गया है, शिक्षा दी गई रामायण प्यारी प्यारी, शिक्षा दी गई रामायण प्यारी प्यारी। राम ने मानी पिता की आज्ञा, कर ली वन की तैयारी। राम ने मानी पिता की आज्ञा, कर ली वन की तैयारी। कलयुग के बेटे को देखो, पिता को दे वैगारी। शिक्षा दी गई रामायण प्यारी प्यारी। और ये तो हुई एक बेटे के लिए शिक्षा, एक पत्नी के लिए शिक्षा रामायण जी में लिखा है क्या? सीता ने मानी पति की आज्ञा, कर ली वन की तैयारी। सीता ने मानी पति की आज्ञा, कर ली वन की तैयारी। कलयुग की नारी को देखो, पति को दे वैगारी। शिक्षा दी गई रामायण प्यारी प्यारी। शिक्षा दी गई रामायण प्यारी प्यारी। भाई ने मानी भाई की आज्ञा, कर ली वन की तैयारी। भाई ने मानी भाई की आज्ञा, कर ली वन की तैयारी। कलयुग के भाई को देखो, भाई को दे वैगारी। शिक्षा दी गई रामायण प्यारी प्यारी। शिक्षा दी गई रामायण प्यारी प्यारी। तो इस प्रकार हमारी रामायण की ये पावन शिक्षा है, जिसे केवल हमें सुनना नहीं है। जब भी हम इस कथा प्रांगण में रहते हैं ना, हमारे मस्तिष्क में अच्छे अच्छे विचार आते हैं कि हमें अच्छे काम करने हैं। कथा को सुनकर हमारी जो गलत धारणा है वो गलत धारणा बदल जाती, लेकिन जैसे ही कथा प्रांगण के बाहर जाते हैं ना, वापस उसी संसार में फंस जाते। पहली माता सीता थी, जिनको राम जी ने ये नहीं बोला कि तुम मेरे साथ वन चलो, ना ही लक्ष्मण जी को बोला कि तुम मेरे साथ वन चलो। राम जी अकेले अपना राजपाट सब कुछ त्याग करके वन जा रहे थे। उन्हें देखकर माता सीता ने भी अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और अपने स्वामी के साथ वन चली जाती। लेकिन आजकल की नारियां, अगर पति ने कोई गलती कर दी तो चार के सामने और चिल्लाकर बोलते, तुझे मना किया था ना ऐसा करने के लिए। अगर एक भाई ने गलती कर दी तो बड़े भाई का काम है कि अपने छोटे भाई को समझाएं कि किस प्रकार परिवार में एक साथ मिल करके किसी कार्य को संपन्न किया जाता है। लेकिन आजकल के भाई क्या करते हैं? अगर छोटा भाई सहायता मांगने के लिए जाता है कि भैया आज मैंने ये काम शुरू किया है तो आपको इसमें सहायता करनी है, तो बड़ा भाई क्या कहता है? ये काम तो तूने शुरू किया था ना, तो मैं क्यों सहायता करूं? तो ऐसी दशा हो गई है आज हमारे संस्कार की, हमारे संसार की। लाख कथा करा रहे हैं, आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं हुआ बचा होगा जहां भगवान जी की कथा नहीं होती। हर क्षेत्र में 1 से 10 बार साल में ये भागवत की कथा आयोजित की जाती है, कभी एक अकेले व्यक्ति के द्वारा तो कभी सार्वजनिक रूप से। लेकिन ये कथा हर गांव में होती है। उसके बाद भी आज हमारे संस्कार इतने ज्यादा नीचे गिर गए हैं कि कथा सुनने के बाद भी हमारे भीतर संस्कार नहीं है। ना तो हम अपने बड़ों का सम्मान कर पाते हैं, ना ही अपने माता पिता को सम्मान दे पाते हैं। तो फिर वो कथा आपको सुनने से ही क्या मतलब, जिस कथा को सुनकर भी आप अपने घर की स्थिति नहीं सुधार पा रहे। तो इस प्रकार राम जी की जो पावन कथा है वो यहाँ पर विश्राम करते हैं। अब सभी प्रवेश करते हैं द्वापर युग, जहाँ आज महाराज कंस हुए मथुरा के राजा।